मोर पंख दिखने में जितना खूबसूरत होता है उतना ही काम की भी चीज है। मोर पंख आपकी कई समस्याओं का समाधान कर सकता है। घर के कलेश मिटाने से लेकर धन लाभ पाने में भी मोर पंख का उपयोग किया जाता है। आइए जानते हैं मोर पंख के फायदे। घर के मुख्य द्वार पर मोर पंख को लगाना हमेशा शुभ होता है। इससे नकारात्मक ऊर्जा और जीव जंतु घर में प्रवेश नहीं कर पाते। इसके लिए 3 मोर पंख लगाकर इस मंत्र को लिखें। मंत्र आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं और नीचे गणेश जी की मूर्ति लगाएं। आर्थिक लाभ के लिए किसी मंदिर में जाकर मोर पंख को राधा कृष्ण के मुकुट में लगाए और 40 दिन बाद इसे लाकर तिजोरी में रख दे। बुरी नजर से बच्चों को बचाने के लिए नवजात बालक को मोर पंख चांदी के ताबीज में पहनाएं। यदि आपका बच्चा बहुत रोता है, चिढ़ता है या फिर जिद्दी है तो छत के पंखों पर पंख लगाने से जिद कम हो जाती है। अगर आप दुश्मनों से परेशान हैं, तो मोर पंख पर हनुमान जी के मस्तक का सिंदूर मंगलवार और शनिवार उनका नाम लेकर लगाएं और सुबह बिना मुंह धोए इसे बहते हुए पानी में बहा दे। आग्नेय कोण में मोर पंख लगाने से घर के वास्तु दोष को ठीक किया जा सकता है। इसके अलावा ईशान कोण में कृष्ण भगवान की फोटो के साथ मोर पंख लगाएं। ग्रहों के अशुभ प्रभाव होने पर मोर पंख पर 21 बार ग्रह का मंत्र बोलकर पानी का छींटा दे और इसे श्रेष्ठ स्थान पर स्थापित करें, जहां से यह दिखाई दे।